Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about next topic. Our topic is आपका multiplier चल रहा है, उसके अंदर आपका multiplier process को अब हम read करेंगे कि कैसे multiplier काम करता है, ठीक है? जो हमारी demand में increase करता है और demand में decrease कर देता है. कैसे होता है ये? मल्टीप्लायर का मतलब आपको पहले समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप पहले वाली वीडियो से समझेंगे पहले मल्टीप्लायर क्या है, क्योंकि हम पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स में उसको हम देख रहे हैं. लास्ट टॉपिक आपका रह गया है मल्टीप्लायर प्रोसेस. कैसे काम करता है ये? आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है. इसका मतलब क्या है? चेंज, ठीक है? चेंज इन आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट. चेंज इन आई होने के कारण क्या होगा? चेंज इन वाई होगा, वाई फॉर इनकम. जब भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम आपकी बढ़ जाएगी. चेंज इन वाई हो गया. अब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपना कंजप्शन बढ़ाओगे, खर्चा पहले से ज्यादा करोगे ना, कि आपकी इनकम पहले 50,000 थी, बढ़कर 1,00,000 हो जाती है, तो क्या आप अपना कंजप्शन इंक्रीज करते हो? यस, हम करते हैं. इनकम इंक्रीज होने के कारण आपका कंजप्शन भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. आपका कंजप्शन जब इंक्रीज हो जाता है तो और लोगों की इनकम बढ़ जाती है. जहां जहां आप कंजप्शन करते हो, आपने मोबाइल खरीदा, आपने बुक्स खरीदी, आपने खाने पीने का सामान जो खर्च किया, तो क्या हुआ? चेंज इन इनकम, दूसरे लोगों की इनकम बढ़ गई, ठीक है? ये क्या है? आपकी प्रोसेस जो काम करती है मल्टीप्लायर में, कि आपके जब पास पैसे बढ़ते जाते हैं तो दूसरों के पास भी पैसे बढ़ते हैं. कैसे बढ़ते हैं? आप उसको खर्च कर देते हो, वो दूसरों के पास पहुंच जाते हैं, तो आपकी इनकम जब बढ़ती है तो दूसरों की इनकम भी बढ़ जाती है. इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर. क्लियर? अब मल्टीप्लायर के दो आपके हो सकते हैं प्रोसेस. फर्स्ट इज फॉरवर्ड एक्शन एंड सेकंड इज बैकवर्ड एक्शन. फॉरवर्ड एक्शन में क्या होगा? जब आप आगे की तरफ चले जाओगे, आगे की तरफ क्या हो जाएगा? आपकी जब इनकम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और उसके कारण आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? पहले से ज्यादा हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड एक्शन. बैकवर्ड एक्शन क्या होगा? आपकी इनकम जो है, आप जितनी डिमांड कर रहे थे, आपकी डिमांड पहले से कम हो गई. इसका मतलब क्या है? दिस इज फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड एक्शन, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड का कम हो जाना बैकवर्ड एक्शन, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना फॉरवर्ड एक्शन. डिमांड बढ़ जाती है. अब हम इसको एक डायग्राम से शो करेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है. आप ओ एक्स एक्सिस पर इनकम लोगे और ओ वाई एक्सिस पर आप लोगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है? दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व. अगर आपको इसकी पता नहीं है, ये केन्स ने दिया था हमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व. आप समझना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को देख सकते हो. ये आपकी डिमांड हो गई है फर्स्ट, और ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई हो गई है. इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए. वहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है. अब आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट क्या है? आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है? इसका मतलब यहां पर क्या कर रहे हो? इतनी आपकी इनकम है और इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब हम देखेंगे आपका फॉरवर्ड एक्शन, कि कैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है और इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ? आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई. कैसे हुई? आपकी इनकम के इंक्रीज होने से आपकी डिमांड भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है. तो डिमांड कर्व शिफ्ट होकर कहां चला गया? AD1 हो गया है, ठीक है?
अब क्या हो गया है, आपकी इनकम भी इंक्रीज हो गई है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपका इंक्रीज हो जाता है। ये क्या है आपका, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सेकंड आते हैं हम बैकवर्ड एक्शन पे। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड पहले से कम हो गई है, इसका मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। दिस इज योर फर्स्ट डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सेकेंड डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब आपकी इनकम भी कम हो गई है और आपका इन्वेस्टमेंट भी पहले से डिक्रीज हो गया है। ठीक है, दिस इज योर बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो, और कोई और टॉपिक मल्टीप्लायर का आपने समझना है वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।